देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। अरे सुन रानी बोले जा। होली के बहाने पर चोरी न कर। अरे रास्ता रास्ता देखो आप मेरी लड़ी है। फिल्मी इंडस्ट्री के ही मैन के नाम से मशहूर इस एक्टर ने अपने अभिनय से फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसे पहुंचना किसी और के बस की बात नहीं है। जट यमला पगला दीवाना हो इतनी बात न जाना कोई उन्हें ही मैन कहता है, कोई एक्शन किंग, कोई रोमांस का बादशाह तो कोई कॉमेडी का बादशाह कहता है। ओ मेरी महबूबा 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 तुझे जाना है तो यार। वो ऐसे पहले अभिनेता हैं जिनकी लगातार 100 फिल्में सुपरहिट साबित हुई हैं और वो भी बतौर लीड एक्टर। पदरा चाय के झूले पड़ गए हैं के मेले लग गए सुपरहिट फिल्में देने वाले अभिनेताओं पर गौर किया जाए तो हिंदी सिनेमा के 101 साल के इतिहास में वह पहले नंबर पर आते हैं जिन्होंने लगातार सबसे अधिक हिट फिल्में दी हैं। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो। उन्होंने अपने कैरियर में रोमांटिक, एक्शन और कॉमेडी हर जॉनर की फिल्मों में हर तरह के किरदारों को जीवंत किया और अपने अभिनय का लोहा मनवाया है। देखा है तेरी आँखों में प्यार ही प्यार बेशुमार। इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ हिंदी सिनेमा जगत पर 3 दशक तक राज करने वाले अभिनेता धर्मेंद्र की, जो कि शानदार करियर के साथ साथ अपने अनगिनत अफेयर्स के लिए हमेशा चर्चा में बने रहे। मुझे जानती है जब से ये मरती है तब से मैं भी इसे चोरी छुपे चाहता हूँ। इस वीडियो में धर्मेंद्र के प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बारे में बताने जा रही हूँ, तो आप कीजिए थोड़ा इंतजार और बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के फगवाड़ा में जन्मे धर्मेंद्र का असली नाम धर्म सिंह देओल है। धर्मेंद्र एक पंजाबी जाट परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता का नाम केवल किशन सिंह देओल और मां का नाम सतवंत कौर था। उनके पिता लुधियाना के गांव लालटन के एक स्कूल में हेडमास्टर थे, लेकिन धर्मेंद्र को पढ़ाई लिखाई से कोई खासा लगाव नहीं था, इसीलिए वह सिर्फ मैट्रिक तक ही पढ़े हैं। लेकिन बचपन से उन्हें फिल्मों का बहुत शौक था। वो स्कूल जाने के बहाने थिएटर में फिल्में देखने जाया करते थे। वो फिल्मों के इस कदर दीवाने थे कि साल 1949 में आई फिल्म दिल लगी उन्होंने 40 बार देखी। पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्होंने रेलवे में नौकरी शुरू कर दी। इस दौरान उन्हें सिर्फ 125 रुपए सैलरी मिलती थी। वह इससे खुश नहीं थे और हीरो बनना चाहते थे। 1960 में उन्होंने फिल्म फेयर के इवेंट में भाग लिया था। तब उन पर अपने समय के मशहूर डायरेक्टर अर्जुन हिंगुरानी की नजर पड़ गई थी। उन्होंने बिना देर किए धर्मेंद्र को अपनी फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में कास्ट कर लिया। और उन्हें एडवांस में 50 रुपए भी दिए। उन्हें लगा कि अब उनका सपना पूरा होने वाला है, लेकिन ये फिल्म कुछ ज्यादा कमाई नहीं कर सकी। फिर भी उनकी एक्टिंग को काफी सराहा गया। इसके बाद धर्मेंद्र को फिल्म बॉयफ्रेंड में कास्ट किया गया। लेकिन ये फिल्म भी नहीं चल पाई। फिर भी वह डटे रहे और करीब 7 सालों तक इंडस्ट्री में खूब पसीना बहाया। धर्मेंद्र को मशहूर फिल्म निर्माता ओपी रलहन ने अपनी फिल्म फूल और पत्थर में हीरो के रूप में कास्ट किया। उन्नीस सौ 1966 की फिल्म फूल और पत्थर सुपरहिट साबित हुई जिसने धर्मेंद्र को रातों रात स्टार बना दिया। यह फिल्म वर्ष 1966 में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। इसी फिल्म के बाद भारतीय फिल्म उद्योग के ही मैन के रूप में भी इन्हें जाना जाने लगा।
शर्ट को उतारकर शरीर दिखाने के लिए आज भले ही सलमान खान को याद किया जाता है, जबकि इसकी शुरुआत इसी फिल्म से धर्मेंद्र ने की थी। इस फिल्म के लिए धर्मेंद्र को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनेशन भी मिला था। उन्होंने 1960 के दशक के शुरू में कई रोमांटिक फिल्मों में काम किया। अपने कैरियर की शुरुआत में उन्होंने कई प्रमुख अभिनेत्रियों के साथ अभिनय किया। वह नूतन के साथ सूरत और सीरत और बंदनी में दिखाई दिए। तो अनपढ़ और पूजा के फूल में वह माला सिन्हा के साथ दिखाई दिए। तो दिलों की मुश्किल आसान हो गई है। शादी और आई मिलन की बेला में वह सायरा बानो के साथ दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा फिल्में हेमा मालिनी के साथ की। दोनों ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिनमें राजा जानी, सीता और गीता, तुम हसी मैं जवां, दोस्त, चरस, माँ, चाचा भतीजा और शोले प्रमुख हैं। नहीं, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, सांभा। फिर 1974 के बाद उनकी पहचान एक्शन हीरो के तौर पर होने लगी। वह अपनी फिल्मों में खुद ही स्टंट किया करते थे। उन्होंने कठिन से कठिन स्टंट बिना किसी बॉडी डबल के फिल्माया है। इसी कारण उन्हें ही मैन और फिर वर्ल्ड आयरन मैन कहा गया। फिल्म आंखें में जब उन्हें दर्शकों ने एक शेर से लड़ते हुए देखा तो सभी ने दांतों तले उंगली दबा लिया। और उन्हें नाम मिला शेरों का शेर धर्मेंद्र। अनुपमा, सत्यकाम और बंदनी उनकी यादगार फिल्में रहीं, लेकिन उनकी सबसे चर्चित भूमिका 1975 में आई रमेश सिप्पी निर्देशित फिल्म शोले में वीरू की रही। इस फिल्म के बाद धर्मेंद्र की गिनती विश्व के 25 बेजोड़ अभिनेताओं में होने लगी। अपने कैरियर में धर्मेंद्र ने हर किस्म के रोल किए। रोल चाहे फिल्म सत्यकाम के सीधे साधे ईमानदार हीरो का हो, समझ में नहीं आ रहा मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं सिनिक हो गया हूँ या ये दुनिया बदल गई है, या फिल्म शोले के एक्शन हीरो का हो, एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा, गब्बर से, या फिर फिल्म चुपके चुपके के कॉमेडियन हीरो का। जियो गो हो जाता है, आप ही बताइए मैम साहब, जब टीओ टू डीओ डू तो जी ओ गू क्यों नहीं होता। सभी को सफलता पूर्वक निभाकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि वह अभिनय प्रतिभा के धनी कलाकार हैं। अपने फिल्मी करियर के दौरान धर्मेंद्र दुनिया के टॉप 10 हैंडसम लड़कों की लिस्ट में शुमार थे। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने साल 1954 में महज 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर के साथ शादी रचाई थी, जिससे उन्हें 4 बच्चे हुए, सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल। सनी देओल बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता रह चुके हैं। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ, ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं। वहीं बॉबी देओल भी एक्टर हैं, जिन्होंने हाल ही में वेब सीरीज आश्रम से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कमबैक किया है। कभी भी मुझे अपने दो कौड़ी के सात्विक ज्ञान का उपदेश मत देना, इनसे ऊपर उठ चुका हूं मैं। उनका पहली पत्नी प्रकाश कौर संग शादी के बाद कई अभिनेत्रियों के साथ अफेयर रहा। हिंदी सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी और धर्मेंद्र की लव स्टोरी के किस्से 60 के दशक में काफी मशहूर हुए थे। मीना कुमारी जहां फिल्म डायरेक्टर कमाल रोही के संग ब्याही थी, तो वहीं धर्मेंद्र भी प्रकाश कौर के साथ शादीशुदा थे। हालांकि साल 1964 में कमाल अमरोही से परेशान होकर मीना कुमारी ने उनसे तलाक ले लिया था, जिसके बाद वो काफी तन्हा हो गई थी। तभी उनकी मुलाकात धर्मेंद्र से हुई। धर्मेंद्र उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रहे थे, वहीं मीना कुमारी बॉलीवुड की जानी हुई एक्ट्रेस थी। साल 1964 में आई फिल्म मैं भी लड़की हूँ के सेट से दोनों में शुरू हुई दोस्ती प्यार में बदलने लगी। से होगा वो प्यारा, फूलों से होगा।
मीना कुमारी धर्मेंद्र के प्यार में इस कदर पागल हो गई थी कि वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से उनके साथ फिल्म में धर्मेंद्र को लेने के लिए कहती थी। उन्होंने धर्मेंद्र को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए खूब सिफारिश की थी। मीना कुमारी ने ही साल 1966 में आई फिल्म फूल और पत्थर के लिए डायरेक्टर्स को धर्मेंद्र का नाम सुझाया था और उन्हें कास्ट करने के लिए गुजारिश की थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। कहा जाता है कि फिल्म फूल और पत्थर से सुपरस्टार बनने के बाद धर्मेंद्र का रवैया मीना कुमारी के लिए बिल्कुल बदल गया था। वहीं मीना का दिन ब दिन धर्मेंद्र के लिए प्यार बढ़ता जा रहा था। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि धर्मेंद्र ने मीना कुमारी से झूठा प्यार किया था। उन्होंने मीना कुमारी को सिर्फ अपने करियर की सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल किया था। वो मीना कुमारी के प्यार से परेशान हो गए थे, वो उन्हें इग्नोर करने लगे थे और एक दिन तो ऐसा आया कि धर्मेंद्र ने मीना कुमारी को थप्पड़ जड़ दिया था। इससे मीना कुमारी को गहरा झटका लगा। धर्मेंद्र के धोखे के बाद मीना कुमारी शराब में इस कदर डूब गई कि महज 38 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। मीना कुमारी से अलग होने के बाद उनकी जिंदगी में आई हेमा मालिनी। हेमा मालिनी से फिल्म प्रतिज्ञा के गाने मैं जट यमला पगला दीवाना के दौरान उन्हें प्यार हुआ था। जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा इतनी सी बात न जाना के। इस गाने में धर्मेंद्र के फनी मूव्स हेमा मालिनी को बेहद पसंद आए थे और वो धर्मेंद्र के अंदाज को देखकर पूरी तरह उनके प्यार में पड़ गई थी। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का प्यार शोले तक आते आते परवान चढ़ा। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की लव स्टोरी 70 और 80 के दशक में काफी फेमस थी। वह हेमा मालिनी के प्यार में इस कदर पागल हो गए थे कि किसी भी हाल में उनसे शादी करना चाहते थे। लेकिन धर्मेंद्र अपनी पत्नी प्रकाश कौर से अलग नहीं होना चाहते थे। हेमा मालिनी साउथ इंडियन परिवार से थी। हिंदू होने के चलते धर्मेंद्र ने मुस्लिम धर्म कबूल करके हेमा मालिनी से शादी करने का फैसला किया था। धर्मेंद्र की दूसरी शादी दिलावर खान के नाम से हुई है। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के सामने ये शर्त रखी थी कि वो शादी के बाद अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके परिवार को नहीं छोड़ेंगे। हेमा मालिनी ने उनकी ये शर्त मान ली। जब हेमा मालिनी के पेरेंट्स को ये पता चला कि हेमा धर्मेंद्र से शादी करना चाहती हैं, तो एक आम माँ बाप की तरह वो भी अपनी बेटी का हाथ किसी शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता के हाथ में नहीं देना चाहते थे और वो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ हो गए। इसी बीच हेमा मालिनी के पिताजी की मौत हो गई और 1975 में रिलीज हुई शोले के बाद 1979 में दोनों ने शादी कर ली। लेकिन उनकी शादी से हेमा मालिनी की माँ बेहद नाराज हुई। कहा जाता है कि हेमा मालिनी संग शादी करने पर अड़े धर्मेंद्र ने जब अपनी पहली पत्नी प्रकाश और बच्चों को इस फैसले के बारे में बताया तो उनकी पत्नी और बच्चे बेहद नाराज हुए। उस समय खबर तो ये भी फैली थी कि उनके बड़े बेटे सनी देओल हेमा मालिनी संग अपने पिता की शादी से इतना नाराज हुए कि उन्होंने अपने पिता पर हाथ उठा दिया था। हालांकि बाद में प्रकाश कौर ने इसे मात्र अफवाह बताया। हेमा मालिनी की दो बेटियां हुई ईशा देओल और अहाना देओल। ईशा देओल जानी मानी अभिनेत्री रह चुकी हैं। हेमा मालिनी के बाद धर्मेंद्र की जिंदगी में आई 80 और 90 के दशक की खूबसूरत अदाकारा अनीता राज। धर्मेंद्र ने नौकर बीवी का जीने नहीं दूंगा और करिश्मा कुदरत का जैसी कई फिल्मों में अनीता राज के साथ काम किया है। ना तो है नौकर बीवी का, जिसकी वजह से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। हैरानगी की बात थी कि उस वक्त धर्मेंद्र की दो दो पत्नियां थीं, लेकिन वो अनीता राज के प्यार में इस कदर पागल हो गए थे कि वो अपने डायरेक्टर से अनीता राज को ही अपनी फिल्मों में कास्ट करने के लिए कहते थे। जब दोनों की नजदीकियों की खबरें आग की तरह बॉलीवुड गलियारों में फैलने लगी, तब हेमा मालिनी ने अपने पति धर्मेंद्र से बगावत कर दी थी। तब जाकर धर्मेंद्र ने अनीता राज के साथ दूरी बनाने को ही बेहतर समझा। धर्मेंद्र अभिनेता के रूप में ही नहीं बल्कि प्रोड्यूसर के रूप में भी सफल रहे हैं। यहाँ तक कि धर्मेंद्र ने अपना प्रोडक्शन हाउस विजेता फिल्म्स भी खोला, जिसमें कई ब्लॉकबस्टर फिल्में बनी हैं।
उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस में अपने बड़े बेटे सनी देओल को फिल्म बेताब से लॉन्च किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। हम जवान होंगे, जाने कहां होंगे, लेकिन इसके बाद उन्होंने बेटे सनी देओल के साथ फिल्म घायल प्रोड्यूस की। अकेले इस फिल्म ने 7 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे। सनी देओल के अलावा धर्मेंद्र ने अपने छोटे बेटे बॉबी देओल को भी लॉन्च किया है। बॉबी देओल ने अपने पिता धर्मेंद्र के प्रोडक्शन हाउस में बनी फिल्म बरसात से डेब्यू किया था, जो भी हिट साबित हुई। हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। धर्मेंद्र ने कई सुपरहिट फिल्मों के साथ कई टीवी शोज के जज के तौर पर भी काम किया है। फिल्मों के अलावा वो कई ब्रांड्स के एम्बेसडर भी रह चुके हैं। वो अपने फिल्मी करियर में जितना कामयाब हुए, उतने ही वो अपने राजनीतिक करियर में भी हुए। धर्मेंद्र ने भाजपा की ओर से साल 2004 में राजस्थान के बीकानेर से चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्होंने भारी वोटों से जीत हासिल की। उन्होंने 5 सालों तक भाजपा की ओर से बीकानेर में काम किया। धर्मेंद्र अब 87 साल के हो चुके हैं और इन दिनों अपने फार्म हाउस में समय बिता रहे हैं और वो लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय भी हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। धर्मेंद्र के बारे में आपके पास अगर कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तब तक के लिए नमस्कार।